ममाज़, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सो मदर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप अपने बच्चों की पूरी बॉडी को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे बच्चों की बॉडी जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और उसके साथ साथ कई बार टैन की वजह से या फिर धूल मिट्टी पोल्यूशन की वजह से बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के स्टेन हो जाते हैं। उनको हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी बहुत ही नेचुरल तरीके से। कई बार ममाज का मुझे मैसेज आता है या मेल आती है कि हम अपने बच्चों के लिए कौन सा स्क्रब यूज़ करें, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा बॉडी स्क्रब बच्चों के लिए यूज़ करने वाली हूँ जो आप बनाकर अपने बच्चों की पूरी बॉडी पे अप्लाई करेंगे और उनकी बॉडी जो है वो पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जाएगी। तो उसके लिए जो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं वो सब आपके घर में, आपके किचन में अवेलेबल होंगी, लेकिन उसमें हम एक ऐसा पाउडर भी यूज़ करने वाले हैं जो बहुत ही नेचुरल प्योर तरीके से बनाया जाता है, कुछ हर्बल चीज़ों को इन्फ्यूज़ करके बनाया जाता है। थोड़ा सा कॉस्टली होगा लेकिन वो उस कॉस्ट पे मत जाइएगा, क्योंकि वो जो पाउडर मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ जिस पाउडर का, ये लॉन्ग टाइम चलने वाला है, काफ़ी अच्छा खासा लंबा चल जाता है, तो महंगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप इस पाउडर को यूज़ करेंगे और स्किन बच्चे की बेहतर और बेहतर होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बॉडी स्क्रब को हमने कैसे बनाना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो चीज़ ले रहे हैं वो हमारे घर में मिलने वाला बेसन ले रहे हैं। जब भी हम घर के लिए अपनी बॉडी के लिए कोई भी उपटन या फिर बॉडी स्क्रब बनाने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम कभी भी बेसन को स्किप कर दें, क्योंकि बेसन में स्किन को निखारने के बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे तत्व होते हैं जो स्किन को 1-2-3 लेयर तक वाइट एंड ब्राइट करने में हेल्प करते हैं। तो एक चम्मच आपने बेसन लेना है और एक चम्मच इसमें हम राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा डालने वाले हैं, जो ऑफकोर्स हमारे घर में मिल जाता है। आप उसको ग्राइंड कर ले अच्छे से, उसका बहुत ही दरदरा सा, ज़्यादा दरदरा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक पाउडर रेडी कर लें जो आपके बच्चे की स्किन के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो ऐसा एक दरदरा सा और मुलायम सा पाउडर जो है वो रेडी कर लें। एक चम्मच आपने चावल के पाउडर का ले लेना है जो स्किन को निखारने में बहुत हेल्प करता है, जो स्किन के रोम क्षेत्र होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं स्किन के ऊपर, उनको अंदर से क्लीन एंड साफ करने में बहुत मदद करता है। अब हम इसके लिए एक चीज और ले रहे हैं, वो है नीम पाउडर। तो इसके लिए हम ये वाला नीम पाउडर इस्तेमाल करने वाले हैं, आप देख सकते हैं दिस वन। ये नीम पाउडर जो है दोस्तों आपके बच्चे की स्किन को वाइट एंड ब्राइट करने में हेल्प करेगा। इस पाउडर की मदद से हम अपने बच्चे की स्किन के ऊपर जितने भी डार्क स्टेन होते हैं, ब्राउन स्टेन्स होते हैं, उनको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा ये आपके बच्चे की स्किन के ऊपर जो पोल्यूशन की वजह से या टैन की वजह से स्किन सांवली हो जाती है या पहले ब्राइट थी अब सांवली होती जा रही है, उसको निखारने में भी ये पाउडर आपकी बहुत मदद करता है। एक चम्मच ही आपने इस पाउडर का ले लेना है। अब इसमें हम डालने वाले हैं आधा चम्मच एलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, जो ऑफ कोर्स हमारे घर में अवेलेबल होता है, और इसमें रोज वाटर डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे, लेकिन इसमें चुटकी भर हल्दी डालना बिल्कुल मत भूलें। अब रोज वाटर की मदद से इसको आपने दरदरा पेस्ट रेडी कर लेना है, हल्का सा थिक और हल्का सा रनी होना चाहिए। पूरी बॉडी पे अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में घुमाते रहिए, मसाज करते रहें और 3 मिनट तक छोड़ दें। आपका बच्चा अगर 3 साल का है, 4 साल का है, आप उस पर यूज़ कीजिए। 3 से 10 साल के बच्चे जो हैं उनके ऊपर बहुत आराम से ये पेस्ट जो है अपना काम करता है, क्योंकि बच्चों की स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए हमें नेचुरल सा उपटन बनाना बेहतर है और बनता भी है। तो इस बॉडी स्क्रब को आपने बच्चे की बॉडी पे अप्लाई कर लेना है, नेक पे, कूहनियों पे, नीज पे, पैरों पे, जहाँ पे भी आपको लगता है स्टेन्स है या फिर डार्क स्किन हो गई है, उसको लाइट करने में ये बहुत मदद करता है। मसाज करते हुए आपने रखना है इसको, 2-3 मिनट तक मसाज कीजिएगा, फिर 3 मिनट तक इसको रेस्ट करने दें, उसके बाद बच्चे की बॉडी को स्क्रबिंग करते हुए धीरे धीरे करके वॉश आउट करते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट आपको बेहतर नजर आएंगे, बच्चे की स्किन आपको खुद नजर आएगी कितनी ज्यादा पहले से ब्राइटन अप हो गई है। तो ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर किसी भी मॉम का या डैड का या किसी भी जन का कोई भी क्वारी या क्वेश्चन आपको लगता है, नीचे कमेंट बार में मुझे जरूर बताइएगा। मिलूंगी अब नए वीडियो में नए रेमेडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।